हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो डिस्कस करूंगा वो करूंगा आपका रीजनिंग का टॉपिक, और आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और हर एग्जाम में जैसे जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक है आपका काउंटिंग फिगर यानी कि आकृतियों को गिनना। दोस्तों, आपको पता होगा कि SSC GT की जो भर्ती अभी फिलहाल में जो चल रही है और उसमें जो है एग्जाम भी जो है उसका कुछ ही समय बाद जो होने वाला है, तो इसमें जो है बहुत ही मेन जो है भूमिका होती है आपकी रीजनिंग की। और रीजनिंग दोस्तों एक ऐसा चैप्टर है कि यार इसमें से भी आप जो नंबर जो कम लाते हैं, नंबर जो कम करते हैं, तो बहुत ही जो है डिफिकल्टी होती है आपके सिलेक्शन में। तो इसलिए आपको रीजनिंग को फुल जो है इसको बेसिक से पढ़ना होगा और पूरे में से पूरे नंबर जो आपको लाने होंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपका वही टॉपिक जो है लेकर चलता हूँ। जैसा कि आपको पता हुआ कि ये जो टॉपिक है काउंटिंग फिगर, उसमें से आपका SSC का कोई भी एग्जाम हो या फिर रेलवे का हो, हर एग्जाम में जो है एक दो क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसलिए आज जो मैं आपको फुल बेसिक से जो है पढ़ने वाले हैं, तो उसके बाद जो आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें कितना वेटेज होता है और क्या जो इसमें दोस्तों आपको पढ़ना होगा काउंटिंग फिगर में, तो आज जो हम जिसके टॉपिक की जो है डिस्कस करेंगे काउंटिंग फिगर में, वो करें आपका ट्रायंगल। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि त्रिभुज जो कैसे गिना जाता है यानी कि ट्रायंगल। इसमें जो आपको ये ट्रायंगल दोस्तों आपको पढ़ना होगा, तो चलिए मैं इसमें कितना जो दोस्तों टाइप बनती है, बट इससे पहले आपको पता होना चाहिए, एक तो पता होना चाहिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन की यानी कि आपकी ये जो क्षैतिज रेखा होती है दोस्तों, इसका जो आपको पता होना चाहिए किसी भी त्रिभुज में। और ये जो लाइन होती है वो होती है आपकी वर्टिकल यानी कि ये जो होती है आपकी वो होती है वर्टिकल यानी कि लंबवत रेखा, और ये जो होती है वो होती है आपकी क्षैतिज रेखा। इनका दोस्तों आपको पहले जो है नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये जो यूज होंगे इसमें। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और टाइप टू टाइप जो है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है ट्रायंगल जो है गिना जा सकता है और कैसे जो है सिंपल तरीके से बहुत ही फास्ट तरीके से हम जो अकाउंटिंग कर सकते हैं ट्रायंगल की। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो आपका ट्रायंगल होता है, तो जो आपका दोस्तों ट्रायंगल होता है तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि एक ही त्रिभुज जो है यानी ये जो ट्रायंगल है वो एक ही है, बट क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऐसे नहीं आते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं इनमें आपको कुछ भी अलग देगा, ऐसे करके दे देगा या फिर ऐसे। तो चलिए मैं दोस्तों बता दूं कि कैसे क्वेश्चन जो दोस्तों आते हैं, एक ये भी ट्रायंगल बनता है तो इसमें जो ऐसे जो है लंबवत रेखा जो डाल देगा, तो अब आपसे जो पूछेगा कि इसमें जो कितने त्रिभुज है, तो इसका तो आपको पता चल गया कि एक त्रिभुज है, तो कन्फर्म है कि इसमें एक त्रिभुज होगा, बट इसका तो आपको नहीं पता है कि कितना होगा, तो इसका काउंटिंग करना होगा। जो काउंटिंग करते हैं तो आपको दोस्तों आप अपने तरीके से अगर संवारेंगे, अपने तरीके से जो है गिनेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, हालांकि ये छोटा है तो बहुत जल्दी जो आप कर लेंगे। तो इसमें जो आपको क्या करना होगा कि ये जो आपका ट्रायंगल है, तो इसमें आपको एक तो ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, और दूसरा जो आपका दोस्तों ये दिख रहा है, और तीसरा जो ये दोनों को मिलाकर जो है आपको दिख जाएगा। और या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें जो लिख देना है आपको एक, इसमें लिख देना है दो, और दोनों को जो आपको ऐड कर देना है, दोनों को ऐड करें तो आपका आ जाएगा तीन। तो इसमें जो ट्रायंगल की संख्या होगी वो तीन होगी। और आगे जो आपको ऐसे भी जो ऐसे आते हैं आगे क्वेश्चन, इसमें जो आपको दोस्तों पूछेगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो ये आपको छोटे क्वेश्चन होंगे तो आप एलिजिबल जो है बहुत ही सिंपल तरीके से कर देते हैं, तो उसमें जो आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, और ट्रिक क्या होगा कि आपको लिखना पड़ेगा एक, इसमें दो, इसमें तीन, और तीनों को दोस्तों आपको कर देना है ऐड, और तीनों को जब आप ऐड करें तो आपका आएगा छह। तो ये इसका जो आंसर दोस्तों होगा वो होगा आपका छह। और एक और जो एग्जाम्पल दोस्तों मैं दे करके जो बता देता हूं, दोस्तों ऐसा जो है ट्रायंगल आपको दे देगा और इसमें जो पूछ लेगा कि इसमें जो कितने ट्रायंगल हैं, तो ट्रायंगल इसमें आपको क्या करना होगा, ऐसे ही जो है लिखना होगा गिनती कि चार तक, इसमें चार हैं तो चारों को जो आपको कर देना है ऐड, और जब चारों को जब आप ऐड करें तो इसका आंसर जो है दोस्तों 10 आ जाएगा। एक टाइप जो है दोस्तों फर्स्ट था, टाइप जो है दोस्तों फर्स्ट था ये। और आगे जो है मैं आप टाइप सेकेंड की जो है डिस्कस करूंगा, उसमें दोस्तों क्या होता है, ऐसे तो आप जो अकाउंटिंग कर सकते हैं। और अगला कोई ट्रायंगल ऐसा हो सकता है जिसमें आपको ये ओरिएंटल लाइन जो है दी हुई होगी, यानी कि जैसे कि आपका ये ट्रायंगल हो गया, और उसे ऐसा ही जो है आपको एक और ऐसे ट्रायंगल दे सकता है, इसमें तो आपको पता होगा कि एक त्रिभुज है, और दूसरे में आपको ऐसे जो ओरिएंटल लाइन जो है कोई भी दे सकता है, और आपसे पूछ लेगा कि इसमें दोस्तों बताइए कि कितना ट्रायंगल है, कितना त्रिभुज है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जितनी ओरिजेंटल लाइनें होंगी बीच में, तो उतने ही त्रिभुज और बनेंगे, यानी कि आपकी एक तो ये लाइन हो गई, तो इस लाइन से जो है एक ट्रायंगल बन रहा है,
दूसरी एयरलाइन है, तो इससे भी जो है त्रिभुज जो है एक बन रहा है। तो इसमें जो है दोस्तों आपके ऐसे या फिर आपको ऐसे जो है नहीं ध्यान रखना है, तो जितनी ओरिएंटल लाइन है तो इसमें आपको एक एक लिख दे देना है, उसको जोड़ देना है, तो एक एक आपकी दो हो जाएगी। अगर इसमें एक और लाइन ओरिएंटल होती तो इसमें आपको एक और लिखना होता तो आपका आंसर जो हो जाता वो दोस्तों वो हो जाता तीन। तो ऐसे भी जो आप पता कर सकते हैं, या फिर दोस्तों मैं आपको कोई एक और जो है कोई एग्जाम्पल जो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये जो आपको ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा लाइन भी दोस्तों आपको जो है दे सकता है, इतनी लाइन जो आपको दे दी है और इसमें जो आपसे पूछा है कि इसमें दोस्तों बताइए कि कितना ट्रायंगल है, कितना त्रिभुज है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक 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 इतना जो आपको इसमें जो है जोड़ना होगा, लिखना होगा, उसके बाद एक दो तीन चार और एक पांच, इसमें दोस्तों ट्रायंगल की संख्या जो हो जाएगी वो आपको हो जाएगी आपकी पांच, इसमें जो पांच त्रिभुज है। तो ऐसे भी जो है टाइप सेकंड था आपका, टाइप सेकंड था, और आगे भी जो है मैं आपको टाइप टू टाइप जो है बताने वाला हूं, तो ये आपको पता चल रहा होगा कि कैसे जो है ट्रायंगल को जो है गिना जाता है, कैसे ट्रायंगल की काउंटिंग जो की जाती है। तो अगला जो टाइप आएगा आपका कि आपका त्रिभुज जो त्रिभुज में आपकी कोई भी वर्टिकल लाइन भी दे देगा और ओरिएंटल लाइन भी दे देगा, और उसके बाद जो आपसे दोस्तों पूछेगा कि बताइए कितना त्रिभुज है, कितना जो है ट्रायंगल है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन जो है दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो आपकी वर्टिकल लाइन भी हो सकती है और एक ओरिजेंटल लाइन भी हो सकती है। तो इसमें दोस्तों आपसे अब पूछा है कि इसमें बताइए कि इसमें जो है कितना त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या दोस्तों है वो इसमें कितनी है। तो इसमें इसमें आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको भूल जाना है कि इसमें जो है वर्टिकल ओरिजेंटल लाइन जो है इसमें है, आपको मानना है कि इसमें नहीं है, आपको ये मानना है पहले। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले तो आपको ये जो पहले आपका रूल्स जो दोस्तों मैंने बताया था कि पहले आपको डब्बे में एक लिखना होगा, दो लिखने होगा, आगे डब्बे होंगे तो आगे भी आपको लिखना होगा, अगर आगे नहीं है तो रुक जाना है। तो आपको कर देना है आपको कि वन प्लस टू यानी कि आपका थ्री हो जाएगा। और अगर आपको दोस्तों दिख रहा है कि यहाँ से जो त्रिभुजों की संख्या इस लाइन से जो त्रिभुजों की संख्या तीन है, तो एक बीच में भी जो लाइन डली हुई है, जितनी बीच में लाइन डली हुई होंगी उतने का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें जो आपकी दो लाइन है, एक तो यही है और एक ये है, तो दो से करना होगा मल्टीप्लाई, तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका छह। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या दोस्तों होगी वो आपकी छह होगी। और अगला और एग्जाम्पल जो है आपको दोस्तों देख सकते हैं, ये जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो आपके ओरिएंटल लाइन जो डली हुई है और आपसे जो पूछा है कि इस बताइए कि आप इस त्रिभुज में जो है कितने त्रिभुज होंगे। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको ये डब्बे में जो है लिखना होगा एक दो तीन। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये वन प्लस टू प्लस थ्री, ये इसको जो ऐड करना होगा, ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा छह। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ये जो छह आ गए, तो छह तो दोस्तों इस लाइन से बन रहे हैं, तो इस लाइन से भी छह बनेंगे, यानी कि जब इस लाइन से छह बन रहे हैं तो इस लाइन से भी दोस्तों आपके छह त्रिभुज ही बनेंगे, और इस लाइन से भी जो आपके त्रिभुज बनेंगे वो छह बनेंगे। तो तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका अठारह आ जाएगा। या फिर आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि जब एक लाइन ए है तो एक लाइन ए है, एक लाइन ए है तो तीन लाइन हो गई, तो तीन का सिक्स में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जो आपका आंसर जो है दोस्तों अठारह ही आएगा। तो आप ऐसे भी जो कर सकते हैं, तो ये जो आप बिल्कुल जो समझ गए होंगे दोस्तों। एक और जो है मैं दोस्तों आपको एग्जाम्पल जो है दे करके जो है बता देता हूँ, जैसे कि आपका ये जो ट्रायंगल है कोई भी, ये जो है आपका दोस्तों कोई ट्रायंगल है और इसमें जो आपसे ये जो है दिया हुआ है, ये जो आपकी ओरिजेंटल लाइन इसमें जो है डली हुई है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपका रेलवे और एसएससी जो है पूछता है और आपसे बहुत ही कम समय होता है। तो इसके लिए आपको अगर ट्रिक नहीं पता है, आप वैसे जो है इनको काउंट करेंगे, तो जब तक आप काउंट करेंगे जब तक आपके साथी एग्जाम देकर भी जो है आ जाएंगे, तो इसलिए आपको ऐसे जो अकाउंट नहीं करना है, आपको ट्रिक जो फॉलो करनी होगी। जब आप ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपको आपको पता होगा कि मैंने जो पहले जो आपको बता दिया था कि इनमें जो आपको नंबर जो है डालने होंगे, नंबर आप जो है डालेंगे तो इनको जो आपको ऐड करना होगा। तो जब इनको एक दो तीन चार को ऐड करें तो आपका आ जाएगा टेन। तो ये जो दोस्तों आपका टेन त्रिभुज, तो इस लाइन से केवल इस लाइन से जो है दस त्रिभुज जो बन रहे हैं, तो दस जब दोस्तों इससे जो जब दस बन रहे हैं तो इससे भी दस बनेंगे, तो इससे भी जो है दस बनेंगे और इस लाइन से भी दोस्तों दस त्रिभुज बनेंगे। तो अब आप जो है जब इन सभी को जो ऐड करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों है वो आपका चालीस आंसर जो है दोस्तों आ जाएगा कि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आपके त्रिभुजों की संख्या, छोटे त्रिभुजों की संख्या जो दोस्तों है वो आपकी चालीस। या फिर दोस्तों आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो आपका ओरिजेंटल जो लाइन है ओरिजेंटल, उसमें दोस्तों आपकी एक लाइन तो ये हो गई,
एक लाइन ए हो गई, एक बी हो गई, एक ए और एक ए, यानी कि चार लाइन है। तो चार से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, चार से जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपका 40 आंसर दोस्तों आ जाएगा। तो ऐसे आपको ट्रिक में जो है भरोसा रखना है, ट्रिक जो दोस्तों आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। तो ये टाइप में जो चेंज करता हूँ, वो करूँगा आपका चौथा टाइप, यानी कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, यानी कि कोई भी त्रिभुज आपको दिया हुआ होगा और उस त्रिभुज के अंदर भी जो आपको कई त्रिभुज जो हो सकते हैं। तो जैसे आप सपोज करो ये जो आपका ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के मध्य जो आपका एक और जो है ट्रायंगल आपको दे देगा। और अब जो है दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि इसमें जो आपको कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो ऐसा त्रिभुज जब भी दोस्तों आपको दिखे, त्रिभुज के अंदर आपको त्रिभुज दिखे, तो आपको क्या करना होगा, या तो आपको जो है पहले जो है याद कर लेना है कि इसमें जो त्रिभुजों की संख्या ऑलरेडी जो होती है वो आपकी 5 होती है, यानी कि 5 होती है। अगर आप याद जो है नहीं कर सकते दोस्तों, तो आपको जो है पहले तो आपको लिखना होगा कि इसमें जो त्रिभुज होंगे, एक तो ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि चार त्रिभुज तो दोस्तों आपको कंटिन्यू इसमें दिख ही रहे हैं। जब चार दिख रहे हैं तो क्या आपको एक जो एक बड़ा वाला जो है नहीं दिख रहा, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है। तो अब जब आपका चार तो चार प्लस बन करें तो आपका 5 आएगा। तो ये दोस्तों इसमें जो है त्रिभुज की संख्या दोस्तों होगी वो होगी आपकी 5। तो जब भी दोस्तों आपको कोई और भी जो क्वेश्चन दे सकता है, एक त्रिभुज के अंदर कई त्रिभुज जो है मध्य में, यानी कि दोस्तों ये जो आपको ये जो दिख रहा है दोस्तों इस त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर भी जो है आपको एक और त्रिभुज जो आपको दिख रहा है। तो दोस्तों आप जो इस त्रिभुज में जो आप बता सकते हैं, हालांकि दोस्तों थोड़ा अच्छा जो आपको नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा इस तरफ जो है लिख देता हूं, यहां पर जो है दोस्तों आपको थोड़ा नहीं दिख रहा था तो यहां लिख देता हूं मैं। ये जो दोस्तों आपको त्रिभुज जो है दिख रहा है और इसमें जो आपको बताना है कि इसमें जो त्रिभुज की संख्या जो है वो कितनी है। तो ऐसा त्रिभुज जो दोस्तों आपको जब भी दिखे कि त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज और उसके अंदर भी जो है एक और त्रिभुज, तो उसके लिए जो आपको क्या करना होगा कि ये जो आपको एक त्रिभुज जो है दिख रहा है दोस्तों, एक और एक जो आपका ये दिख रहा है और ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, दोस्तों आपको चार त्रिभुज तो दोस्तों आपको दिख ही रहे हैं। ये जो आपको दोस्तों चार त्रिभुज आपको दिख रहे हैं और पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पांचवा और ये छठवा, ये सातवा और एक दोस्तों ये जो नहीं, इसका काउंटिंग दोस्तों नहीं हुआ था। ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ये जो है नहीं इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसको एक जो ये हो जाएगा, यानी कि 7 तक ये हो गया और एक और इसमें जो ऐड करें तो आपका 8 हो जाएगा। 8 प्लस आपको अभी जो इसका आंसर दोस्तों नहीं हुआ है, इसके लिए आपको ये जो त्रिभुज था दोस्तों बड़ा वाला है, इसकी काउंटिंग जो है नहीं हुई है, तो प्लस 1 करेंगे तो आपका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 9। तो दोस्तों ऐसा त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज हो तो उसका आंसर दोस्तों हमेशा जो आता है वो आता है 9। तो इसके लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा। और एक और जो एग्जाम्पल जो है मैं देखे जो है बता देता हूँ आपको, ये जो दोस्तों आप जो है देख सकते हैं, ये जो त्रिभुज जो आपको दिख रहा होगा और त्रिभुज के अंदर ऐसे दोस्तों आपका SSC जो है बहुत ही ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही जो है काफी ज्यादा जो है दोस्तों पूछता है। और ये जो आपको दोस्तों दिख रहा होगा, ये दिख रहा है दोस्तों, और इसमें जो आपसे पूछा है कि बताइए कि इस ये जो त्रिभुज है इसमें कितने त्रिभुज जो है दोस्तों और भी जो है बन रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा त्रिभुज जो है आपको जब भी जो है दिखे तो दोस्तों क्या आपको पता है कि ये जो आपका त्रिभुज जो है ये छोटा वाला, ये जो दोस्तों आपका कितने त्रिभुज बनाता है, ये जो आपको आपको दिख रहा होगा कि आपका एक ए हो गया, एक और एक एक ए और एक ए, यानी कि चार त्रिभुज जो दोस्तों आपका अंदर में जो है बन रहे हैं और एक जो पांचवा हो जाएगा, पांचवा दोस्तों ये हो जाएगा पांचवा, उसके बाद आपका छठवा और सातवां और आठवां, यानी कि 8 तक तो त्रिभुज इसके अंदर बन गए और एक जो त्रिभुज बड़ा वाला ये जो आपको दोस्तों दिख रहा होगा, यानी कि एक इसको जो जब आप ऐड करें तो यानी कि 8 प्लस 1 नौ दोस्तों आपको दिख रहे होंगे कि इसमें जो 9 त्रिभुज बन चुके हैं। तो उसके बाद आपको ये हो गया आपका 9 10 और ये वाला 11 ये वाला 12 और 12 त्रिभुज हो चुके हैं। 12 के बाद आपका एक जो बड़ा वाला त्रिभुज जो है दोस्तों आपको दिख रहा होगा, इसकी काउंटिंग अभी नहीं हुई है और इसको भी जब आप काउंट करें तो आपका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा 13। तो इसका दोस्तों आपका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 13। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना होगा कि कौन से त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज जो है दोस्तों बनते हैं। तो ये टाइप जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा जो है एग्जाम आने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल जो है हर टाइप को जो है पढ़ना होगा, अगर आप एक भी टाइप को जो है मिस करते हैं तो आप जो है
हो सकता है कि उसी टाइप से जो क्वेश्चन आ जाए और वो क्वेश्चन जो आपसे दोस्तों मिस हो जाए, तो ऐसा आपको बिल्कुल जो है नहीं करना है। और दोस्तों क्या होता है कि गारंटी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन दे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा आ भी सकता है, ऐसा नहीं भी आ सकता है। तो दोस्तों अगला जो है, ऐसे भी जो है आपको क्वेश्चन वही होगा, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन वही होगा, बट इसमें जो है कुछ ना कुछ जो है वो ऐड कर देगा। ये जो दोस्तों आपको मैंने जो है बता दिया है कि इसमें जो है कितने त्रिभुज होते हैं, और आपको पता भी चल गया कि इसमें आपको दोस्तों आपको पता चलेगा कि 5 त्रिभुज होते हैं। ये जो त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज के मध्य में कोई त्रिभुज है तो उसमें 5 त्रिभुज होंगे। बट अगर आपको यही इसी क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना दे, तो आपको ऐसे ऐसे दे दे, तो क्या आप पता नहीं कर सकते कि इसमें जो कितने त्रिभुज होंगे? आप बिल्कुल जो पता कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो मैं बता दूं दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया कि इसमें जो 5 त्रिभुज ऑलरेडी पहले से थे, और एक लाइन इसमें जो और जो बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक जो एक त्रिभुज हो गया, एक दो। दोस्तों आपको मिस्टेक नहीं करनी है, इसको ऐड नहीं कर देना है। अगर आप ऐड करेंगे तो आपको एक घटाना होगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी काउंटिंग जो बड़ा त्रिभुज जो है दोस्तों इसमें जो बन रहा है, इसकी काउंटिंग ऑलरेडी पहले हो चुकी है। अगर पहले नहीं होती तो आप बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, बट आप जो है नहीं कर सकते। तो आपको एक दो तो त्रिभुज हो गए, यानी कि 5 त्रिभुज ऑलरेडी पहले से बन रहे थे। उसके बाद में एक त्रिभुज ए बन रहा है, एक ए बन रहा है, दो, और एक जो दोस्तों बन रहा है वो बन रहा है, और एक चौथा यहाँ बन रहा है, पांचवा दोस्तों यहाँ बन रहा है, छठवां दोस्तों यहाँ बन रहा है, क्षेत्रफल जो उसमें जो दोस्तों आपके और बन रहे हैं, तो 6 को और ऐड करना होगा। 6 को ऐड करें तो आपका आंसर जो है दोस्तों वो आपका 11 हो जाएगा। ऐसे जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे भी क्वेश्चन जो है बहुत सारे जो है एग्जाम में, पिछले एग्जाम को जो जब आप सॉल्वर पेपर को हटा के देखें तो आपको पता चलेगा ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा जो है देखेंगे। तो अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि इसको जो हटाता हूँ, और भी जो कई टाइप बनते हैं, उस टाइप का बारे में जो है मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों इसको जो है मैं हटा देता हूँ। दोस्तों एक जो है त्रिभुज आपको ये दिख रहा होगा, ऐसे भी त्रिभुज जो है आपको पूछे जाते हैं, और आपसे दोस्तों इसमें जो है पूछेगा कि इसमें जो है त्रिभुज की संख्या दोस्तों होगी वो कितनी होगी। तो ऐसा त्रिभुज जब भी दोस्तों आपको देखे कि कोई भी जो है बेस है, यानी कि ये जो है आपकी ओरिएंटल लाइन है, और इसमें जो है दोस्तों आप सेम त्रिभुज बने, यानी कि इस भुजा से भी सेम त्रिभुज बने और इससे भी सेम त्रिभुज बने, यानी कि ये बन रहा है एक दो और एक तीन, और इससे भी आप देखें तो आपका एक दो और तीन, और इस भुजा से भी दोस्तों आप देखें तो एक दो और आपका ये तीन, दोस्तों सेम त्रिभुज जो है आपको बन रहे हैं। तो जब भी दोस्तों आपका सेम त्रिभुज जो है आपको दिखे, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो ऐसा क्वेश्चन जो है जब भी आए तो उसके लिए आपको अगर इतना बड़ा होगा तो आप जो है कर सकते हैं, यानी कि आप जो है पहले कर सकते हैं, आप एक दो तीन चार 5 6 7 8 9, दोस्तों 9 त्रिभुज तो आपको जो है खुद जो है दिख रहे हैं कि इसमें 9 त्रिभुज तो ऑलरेडी है। तो दोस्तों आपका पहले लिखने लेना है आपका 9, उसके बाद में जो आपको कोई भी त्रिभुज जो है ऐसा दिख रहा है कि 4 को मिलाकर जो है एक त्रिभुज बन रहा हो, तो दोस्तों बिल्कुल जो है यहाँ पर बन रहा है, ये जो है आपका त्रिभुज जो है, ये जो 4 त्रिभुज को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है, तो प्लस आपको एक करना होगा। उसके बाद में ये जो त्रिभुज भी जो है दोस्तों आपको 4 मिलकर जो है ये बन रहा है, ये जो आपको दिख रहा होगा, तो जो ऐसे जो है बन रहा है, तो फिर जो आपको प्लस बन करना होगा। तो 2 त्रिभुज तो दोस्तों आपको ऐसे जो है बन चुके हैं। इसके बाद में क्या आपको जो है इस बिंदु से तीसरा त्रिभुज जो आपको ऑलरेडी जो दिख रहा होगा, ये जो त्रिभुज है दोस्तों आपको ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दोस्तों आपका 3 त्रिभुज जो है आपका हो चुके हैं। उसके बाद में आपको ये बड़ा त्रिभुज जो है दिख रहा होगा, ये पूरा त्रिभुज जो है, तो आपका ये जो आपका प्लस वन है, यानी कि आपको इसमें त्रिभुज जो है दोस्तों हो जाए, वो हो जाए आपके 13 त्रिभुज जो है दोस्तों इसमें हो जाए इसमें। तो दोस्तों ऐसे त्रिभुज का जो आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो क्या करना होता है। तो दोस्तों अगर एक अच्छा 3 जो मैंने आपको जो बताया था कि ऐसे जो है किसी भी रेखा पर समान जो त्रिभुज बने, यानी कि आपका इस पर जो 4 बन रहा है, एक दो यानी कि दोस्तों इस पर जो 4 बन रहा है, एक दो तीन और 4, वैसे ही जो है इस पर एक दो तीन 4 और ऐसे एक दो तीन 4। दोस्तों जब भी ऐसी कोई भी जो कंडीशन दिखे आपको, तो इसमें जो आपको क्या करना होगा कि आप ऐसे जो अकाउंट तो नहीं कर सकते, काउंट करें तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और टाइम जो है जब में बहुत कम होता है। तो दोस्तों अगर इसमें जो अगर 4 जो है आपका 4 जो है, तो 4 के लिए जो है होता है, अगर ऐसे जो है ऐसी जो है कोई भी जो कंडीशन बने उसमें 4 जो है किसी भी रेखा पर त्रिभुज हो, तो उसमें त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या जो होगी दोस्तों वो होगी आपकी 27 होगी। 4 में जो होगी दोस्तों वो आपकी 27 होगी।
और पांच, अगर पांच जो है होता है एक और जो बड़ा होता थोड़ा है, तो पांच में जो होती है वो होती है आपकी 48। और दोस्तों तीन का जो मैंने अभी आपको जो बताया था, तो तीन में जो कितने आते हैं वो होते हैं आपके 13। ये जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, तो आप बिल्कुल जो है किसी भी त्रिभुज को जो है गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं कि किस त्रिभुज में जो कितने ट्रायंगल होंगे, तो आप जो है बिल्कुल जो है इनको जो है ध्यान रख सकते हैं। और अगला जो त्रिभुज मैं आपको बताता हूँ उसमें जो है कैसे जो है आप ट्रायंगल जो है काउंटिंग की जाती है, तो अगला जो है वो है आपका ये त्रिभुज, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, स्क्वायर के अंदर जो आपको ट्रायंगल बन रहे हैं उनको जो आपको काउंट करना होगा, तो उनको जो है दोस्तों आप कैसे काउंट करेंगे, तो इनको काउंट करने के लिए पहले तो आपको इनमें लिखना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों इसमें आप जो 6 ट्रायंगल तो आपको ऑलरेडी खुद दिख रहे हैं कि इसमें 6 त्रिभुज तो है, तो इससे ज्यादा भी होंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको जब भी दिखे कोई भी स्क्वायर हो उसमें जो आपको ट्रायंगल गिनना हो, तो इसके लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि अगर आपको यहाँ पर 6 है तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 12 आ जाएगा। और दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन जो है ऐसा है तो आप इसमें त्रिभुज की संख्या दोस्तों होगी वो आपकी 12 होगी। और अगला दोस्तों मैं आपको जो है टाइप बता देता हूँ, ये जो अगर आपका कोई भी जो स्क्वायर है, ये जो है दोस्तों आपका कोई भी जो स्क्वायर है, और इसमें दोस्तों आपको ऐसी जब भी जो आपकी ऐसी कंडीशन जो दिखे, ये जो आपको कंडीशन दिख रही है, तो इनमें जो आपको कभी भी जो पूछे कि इनमें बताइए कि कितना जो है ट्रायंगल होंगे, कितने जो त्रिभुज होंगे, तो आप क्या करना होगा दोस्तों, इनमें जो आपको पहले तो गिनना हुआ है जो खुद कितने ट्रायंगल हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और ये 8 त्रिभुज तो आपको खुद जो दिख रहे हैं कि 8 त्रिभुज है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर जो है दोस्तों निकल कर ये जो आ जाएगा, तो आपका 16 जो है इसका आंसर जो है दोस्तों 16 हो जाएगा। इसमें त्रिभुजों की संख्या दोस्तों है वो है आपकी 16। तो चलिए दोस्तों अगला भी और भी जो है कई टाइप इसमें बनते हैं वो भी जो है मैं डिस्कस जो है कर लेता हूँ। दोस्तों अगली फिगर जो बनती है वो बनती है आपकी ये फिगर जो आपको दिख रही होगी, और ऐसी फिगर आपको दिखे और आपसे पूछे कि बताइए कि इसमें जो है ट्रायंगल की संख्या कितनी है, तो दोस्तों मैंने आपको पहले जो है एक फिगर जो है बताई थी दोस्तों, ये वाली फिगर, जैसा कि जो आपको पता होगा ये जो फिगर बताई थी कि इसमें जो आप जब भी कोई भी आप उससे ऐसी फिगर में त्रिभुज पूछे तो इनमें जो आपको लिखना होगा कितने हैं, जो ये जो आपके हैं वो हैं आपके 8, तो 8 को 2 से जो मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो आपका 16 जो है निकल करके जो आ जाएगा। तो क्या आप जो है देख सकते हैं कि ये जो फिगर है सेम टू सेम, ये फिगर भी जो है यहाँ से नीचे के लिए वो सेम है, तो सेम है, तो आपका यहाँ इसमें जो है आपके त्रिभुज की संख्या हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी आपकी 16। दोस्तों इसमें जो है आपके 16 जो त्रिभुज हैं, बट पूछा आपसे कि ये जो है ऊपर है इसके जो आपको काउंट कर रहे होंगे, तो आपका 1, 2, तो ये जो आपका एक जो है जो आपको ओरिजेंटल लाइन जो है दोस्तों आपको दिख रही होगी कि इसके ऊपर जो है ऐसे जो है, तो इसमें जो है पहले जो आपको जो ये वाला जो आपको पता होगा कि ऐसी जो कंडीशन दिखे 1, तो इन दोनों को जो आपको ऐड करना होगा, ऐड करें तो आपका 3 आ जाएगा। तो दोस्तों ये 16 में 3 त्रिभुज जो आपको और जो है ऐड करने होंगे, तो दोस्तों आपका अभी आंसर जो है क्लियर नहीं आया है, और ये जो आपको ये जो आपने जो अकाउंटिंग कर ली है, बट कि आप जो है यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है और त्रिभुज जो है दोस्तों यहाँ से बन रहा है, ये जो त्रिभुज जो है बड़ा वाला दोस्तों आपको दिख रहा होगा, और ऐसे ही जो है दोस्तों एक इस तरफ जो है बन रहा है, ये जो आप देख सकते हैं, तो 2 त्रिभुज जो है दोस्तों इसमें और जो अकाउंट होंगे, तो आपका ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 21 दोस्तों। इस त्रिभुज में 21 त्रिभुज जो है इसमें जो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो आपका 21 जो है हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं हटा देता हूँ, और एक टाइप जो और बचता है उसको भी जो है मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। तो चलिए जब तक इसको जो है, तो दोस्तों ये फिगर जो आप देख सकते हैं, ये जो फिगर है, तो ऐसी फिगर जो आपको पहले जो है मैंने आपको ऐसी जो है बताई थी कि ऐसी अगर कोई भी जो है दोस्तों फिगर हो तो इसमें जो आपको पहले जोड़ना होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर जो 8 निकल करके जो आ जाएगा। तो क्या आप पता कर सकते हैं कि ये जो सेम टू फिगर है ये जो है इसके जो है सेम है, तो इसके लिए आपको 1, 2, 3 और 4, और ऐसे ही जो इसमें 1, 2, 3 और 4, तो दोस्तों इसको 4 से मल्टीप्लाई करें 2 का तो आ जाएगा आपका 8, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें 2 का तो इसका आ जाएगा 8, तो 8 और 8 जो है दोस्तों आपका जो है हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16। तो 16 अभी जो है इसका आंसर नहीं है दोस्तों, आंसर जो क्या है, ये जो आपको जो है पॉइंट इसके जो है दिख रहे होंगे, एक तो ये पॉइंट जो है दिख रहा होगा, और ये जो एक पॉइंट ये दिख रहा होगा, तो इस पॉइंट से बात करें तो ये जो है बड़ा त्रिभुज एक बन रहा है जो कि आपको अभी काउंट नहीं किया है आपने, ये जो है एक ये हो गया, और एक इस पॉइंट से जो आपको ये जो दिख रहा होगा, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा बड़ा वाला,
तो दो त्रिभुज इसमें जो और कांट हो जाएंगे, तो दो और हो जाए तो आपका इसका आंसर जो है दोस्तों वो 18 हो जाएगा। तो ऐसे जो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना जो है कितना अच्छे तरीके से जो है त्रिभुज को जो है काउंटिंग किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने डिस्कस कर लिया है वो कर लिया है आपका कि ये त्रिभुज जो है कैसे जो है गिना जाता है, त्रिभुज की काउंटिंग जो है दोस्तों वो कैसी होती है, और बहुत ही अच्छे से बहुत ही सिंपल तरीके से जो है बताया है। और अगली वीडियो जो दोस्तों हमारी होने वाली है काउंटिंग से रिलेटेड, उसमें जो है मैं डिस्कस करूंगा वो करूंगा आपका स्क्वायर यानी कि वर्ग काउंट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कैसे किया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो जो है यहीं पर जो एंड होती है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है क्लास नगर, उसको दोस्तों आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है, क्योंकि दोस्तों उसका जो है मैथ और रीजनिंग को जो है बहुत ही डीपली से बहुत ही अच्छे से उसको जो है पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों वीडियो यहीं पर एंड होता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।